आज जुम्मे की नमाज है तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और ये है मस्जिद, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। तो राम राम भाई सारे ने, स्वागत आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में, और मैं हूं आपका होस्ट अतीश वेदी। तो भाई आपको पता है मैं हूं फिलहाल अजमेर में, और मैं आज आया हूं अपना दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह, और ये है भाई दिल्ली गेट। तो भाई अजमेर शरीफ दरगाह अपना ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती हसन का एक भव्य और आकर्षक मकबरा है, जो कि एक बहुत बड़े सूफी संत होने के साथ साथ इस्लामिक अपना विद्वान भी थे। मक्का मदीना के बाद भाई यहाँ की सबसे ज़्यादा मानता है, और ये सारे धर्मों का एक मतलब सारे धर्म इसे मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ आते हैं। और अपना देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सब यहाँ आए हैं भाई, और सब ने यहाँ मत्था टेका है, और जो मशहूर हस्तियाँ भी हैं वो भी यहाँ आती हैं, वो भी मत्था टेकती हैं। और अब दिखाता हूँ भाई कुछ लोकल मार्केट। यहाँ पे आपको होटल और रेस्टोरेंट वगैरह सब मिल जाएंगे। और भाई जो मुग़ल अकबर हैं वो यहाँ आए थे जब उनकी संतान नहीं हो रही थी, तो फिर यहाँ आके उन्होंने अपना मत्था टेका था मज़ार पे, और फिर जहाँ से जाने के बाद जब उनको संतान हुई तो फिर वो वापस आए थे शुक्रिया कहने। वो पैदल आए थे, उनको 16 दिन लग गए थे। और ये है भाई कुछ दरगाह का गेट। भाई अगर आप बैग लाए हो तो 2 नंबर गेट पे अंदर जाके, और 20 रुपये में बैग जमा होते हैं, और यहाँ 2 नंबर गेट से अपना चप्पल 10 रुपये में जमा हो रही है। और ये है फिर कुछ अंदर का दृश्य, देख सकते हो आप कितनी रौनक है। और भाई एंट्री करते ही जो आपको वो बड़ी बड़ी कढ़ाई दिखती हैं, भैया क्या बोलते हैं इनको, डेग जो डेग, जो ये डेग है भाई, और ये है वो डेग, दिखाता हूँ मैं आपको। भीड़ लगी हुई है। और ये है भाई कुछ अंदर का, यहाँ लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद पैसे डालते हैं। एक सामने है डेग, तो वहाँ भी चलते हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ऊपर चढ़ने का बाद है डेग। और ये है कुछ, देखो यहाँ पे चावल आटा और पैसे ऐसे डालते हैं सब मनोकामना पूरी होने के बाद। और भाई आपको ये सामने 2 रास्ते दिख रहे होंगे, एक ये और एक वो, ये दोनों जाते हैं दरगाह। और जो सामने भीड़ लगी हुई है ये इसे बोलते हैं वजू, जहाँ हाथ पैर धोते हैं। और ये भाई दरगाह से बाहर आने का, और ये है मस्जिद, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। और यहाँ भाई अपना धागे बांधे जाते हैं, मनोकामना कुछ मांगते हैं और मांग के और धागे बांधे जाते हैं, ताकि फिर मनोकामनाएं पूरी होने के बाद उनको आके खोल सकें। दरगाह जाने से भाई यहाँ, और ये कवाली। लाइन देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, भीड़ देखो कितनी है, मतलब हद से ज्यादा भीड़ हो रखी है भाई। तो भाई अब आया दरगाह से, और हमको भाई मिले हैं। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप? मैं उदयपुर से। स्पेशल दर्शन के लिए आए हो? जी बिल्कुल। अच्छा, तो उदयपुर में आप कहाँ जाओगे फिर? उदयपुर ही? हाँ, यहाँ से नहीं नहीं उदयपुर सर, बस मिनिमम 2 घंटे में ट्रेन है, नमाज पढ़ के फिर डायरेक्ट उदयपुर। अच्छा, तो ठीक है भैया। दरगाह से बाहर आए हैं भाई, और भीड़ देख सकते हो आप कितनी हो रखी है। आते टाइम इतनी नहीं थी, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है।
यहाँ पे थक गए हो अंदर, भूख लग रही है आपको, तो यहाँ आपको अपना होटल भी मिल जाएंगे रहने के लिए, खाने के लिए रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, शॉपिंग के लिए दुकानें भी मिल जाएंगी, और जो भी आपको चाहिए वो आपके उपलब्ध है चीज़ें। तो भाई ये थी फिर पूरी वीडियो, अपना पूरी जानकारी अपना अजमेर दरगाह शरीफ के बारे में, और आपने अच्छे से किए भी होगी, देखी भी होगी वीडियो, और इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस आती रहती हैं। और ट्रैवलिंग के रहते तो भाई अपना नीलकंठ, केदारनाथ, हरिद्वार और चक्रार्ता, मंसूरी, मनाली, ये सारी शिमला, सभी जगहों की वीडियो आ रही है भाई। तो आप भाई वीडियोस को प्यार दो, और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।